शिक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और अब स्कूली वैन में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जो स्कूल के प्रबंधक हैं और उसके साथ जो अनुबंधित वाहनों के स्वामी हैं यानी वाहन मालिक हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 माह का समय उनके पास है, और इस बीच वो जितने भी वाहन हैं जो विद्यालयों में चलते हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है, और कैमरा लगाना है इसकी बाकायदा जाँच होगी और जाँच के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। प्रमुख सचिव परिवहन के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है आज सुबह, उस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 3 माह का समय है और 3 माह के भीतर जितने भी स्कूल हैं उनके प्रबंधकों को ये निर्देश दिया गया है, वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों से जो सुरक्षा है बच्चों की उससे संबंधित जो आदेश है उसका पालन किया जाए और सीसीटीवी कैमरे स्कूली वैन में लगाए जाएं। अमूमन देखा गया है कि बच्चों से सुरक्षा से जो जुड़ी घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे एक्सीडेंट हो या बच्चों के साथ स्कूली वैन में अन्य घटनाएँ हों, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कड़े नियम जारी किए हैं। इस नियम के तहत 3 माह के भीतर सभी विद्यालय के प्रबंधक को निर्देश जारी किया गया है, वाहन स्वामियों को निर्देश जारी किया गया है, और कहा गया है कि 3 माह का समय है और 3 माह के भीतर सभी जो वाहन हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ऐसे वाहन जो बच्चों को घर से ले आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो विद्यालयों में स्कूली वैन हो या स्कूली बस हो, उनमें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और 3 माह का समय दिया गया है। 3 माह के बाद शासन को तो डाटाबेस के साथ रिपोर्ट भेजी जाएगी। स्थानीय जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है कि उनको सभी विद्यालयों की जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजनी है, और 3 माह का इसके लिए समय दिया गया है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है कि जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा से कोई भी समझौता करने को अब योगी सरकार तैयार नहीं है, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने अनिवार्य किए हैं, और इन कैमरे को जो कंट्रोल होगा वो विद्यालय के प्रबंधकों के पास होगा, यानी स्कूल वैन में क्या कुछ हो रहा है ये सारी जानकारी विद्यालय के पास होगी, और ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो आसानी से जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर आज बाकायदा निर्देश जारी किया गया है और 3 माह का समय दिया गया है, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च नए सत्र के पहले सभी विद्यालयों के जो स्कूली वैन हैं, जो बसें हैं, उसमें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है, और इस आदेश को पालन करने के लिए आने वाले समय में युद्ध स्तर पर पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं परिवहन विभाग की वो भी देखने को मिलेंगी, और जो विद्यालय हैं, जो विद्यालय के प्रबंधक हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि अगले सत्र के पहले पहले इस 3 माह में ये जिम्मेदारी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और जो वाहन के मालिक हैं उनको भी इसमें जिम्मेदार बनाया जा रहा है, और उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है कि जो स्कूली वाहन है, जो वाहन स्वामी अनुबंध के तहत स्कूल में बसें चलाते हैं या अपनी वैन चलाते हैं वो सीसीटीवी कैमरे लगाएं। अगर विद्यालय का वाहन है तब भी विद्यालय प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी कि सीसीटीवी वैन कैमरे लगाए जाएं, जिससे जो बच्चों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। जाहिर है सरकार के इस फैसले के बाद धरातल पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या 3 महीने का जो समय दिया गया है उसमें एक कवायद पूरी हो पाती है, क्या सीसीटीवी कैमरे स्कूली वैन और बसों में लग पाते हैं, और इससे सुरक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होगा, बच्चों की सुरक्षा में कितना सुधार होगा, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।